What's up everyone, this is Guy from Pakistan and कैसा लग रहा है guys, मंडी सीरीज enjoy कर रहे हो या नहीं? एपिसोड यार कभी रेगुलर आते हैं और कभी नहीं, तो कोशिश यही चल रही है guys कि स्टोरी को लेकर चलें। रिस्पॉन्स अच्छा है आप लोगों का एच के भाई चैनल के guys 100K करवा दूँ ईद से पहले। वैसे ईद से पहले मुश्किल है क्योंकि अभी 80K भी नहीं हुए, लेकिन यार 14 अगस्त से पहले तो हो जाने चाहिए 100K यार, ताकि दूसरा सिल्वर प्ले बटन आए। ओके गाइस, मिलते हैं फिर वीडियो में, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है तुम लोग सब ठीक ठाक हो गए। बहुत बहुत चांद रख मुबारक हो भाइयों सबको, अल्लाह ताला तुम लोगों की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और तुम लोगों को गोश्त भी हजम करवाए, आमीन बोलो आमीन। अबे मेरे पास सुबह जिमी की कॉल आई, बोल रहा है अशरफ भाई कसाई नहीं मिल रहा, तो यार आप आ जाओ अपने लड़कों को लेके। मैंने बोला मेरे को क्या तुमने कसोड़ा समझा है भोसड़ी का? मैंने बोला हम अपने जानवर करते हैं भाई, वो दिन गए जब अपन कसाई बने हुए थे। और मैंने बोला भाई पहले दिन हमारे यहाँ कुर्बानी होनी है भाई, जानवर देख रहे हो कितने, हम तो मेरे को लग रहा है पहला दिन दूसरा दिन और तीसरा दिन भी करेंगे, क्योंकि तीसरे दिन अपन ने ऊँट करना है ना, पहले दिन तो जानवर हो जाएंगे। वो तो अभी देखना पड़ेगा भाई कि हम पहले दिन इतने सारे बेल गिरा भी सकते हैं या नहीं, वरना आधे एक दिन तो आगे दूसरे दिन। लड़कों से रिपोर्ट लेता हूँ भाई कैसी है ना, सुबह खूब सफाइयाँ की हैं लड़कों ने भाई, बाल्टी वगैरह धोई हैं भाई, जानवर बहुत गंद करते हैं भाई। ऐसे में क्या ही रहता है, अरे लड़कों फुल धूप सेक रहे हो भाई। अशरफ भाई क्या करें भाई, कल इतनी तेज बारिश हो गई थी यार, आज तो मौसम सुहाना हुआ है। हाँ मौसम तो अच्छा हुआ है यार। अभी मुश्ताक भाई की तरफ जा रहा हूँ, चल रहा है? मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, अभी बहुत काम पड़े, अभी तो हम बैठे हैं यार चारा ला के। और गया भाई और गया, ये तेरा बकरा बड़ा मजे से पलंग पे बैठा हुआ है यार, अब इसको छेड़ो नहीं यार, अब छेड़ो तो फिर उतर जाता है ये। अभी ने भी यहाँ गाय बांधी हुई है, अभी डेढ़ क्यों बांधी हुई है? अभी थोड़ा सा गीला कपड़ा दे के साफ किया, मैंने सोचा कि धूप सेक ले थोड़ी, ऊँट को भी आगे ले आया मैं। हाँ सही क्या, अच्छा हरी घाट भी ले आया? अरे बकरे के लिए, तो मैं कब कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए भाई, चलो उतने चारा भोटे आज के लिए। चलो अपने बेल बेल तो ठीक है यार, मुश्ताक भाई मेरे को बुला रहे थे बोलने काम है मेरे, तो मैंने बोला चलो आ ही जाता हूँ भाई, क्या काम आ गया मुश्ताक भाई को, और बोल रहे हैं कि भाई जानवर भी देख लो मेरा। मैंने बोला चलो चलते हैं मुश्ताक भाई से, अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई। अभी चल ले यार, मैं अकेला जा रहा हूँ यार, अभी अशरफ भाई काम भी है यार, अभी हम निकलेंगे यार, हम लोग को छुरियाँ तेज करवाने भी जाना। अभी हाँ ये तो सही बोल लो। अच्छा लड़कों एक बार बताओ प्लानिंग क्या है भाई कुर्बानी की? प्लानिंग क्या है, कुर्बानी करेंगे बस, और क्या करेंगे? अबे कुर्बानी से मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जानवर देख रहे हो? ड्राइवर भाई भी तो आ जाएंगे, अपन चार बंदे हो जाएंगे ना। हाँ शरब भाई फिक्र क्या कर रहे हो? अबे फिक्र तू देख, दो बड़े बड़े वेल पर अपना भी है फिर बकरा भी है। ये बकरा तो यार फौरन हो जाएगा। मैं नासिर को कह रहा था कि पहले दिन जो है ना ड्राइवर भाई के बैल मुकाते, दूसरे दिन हमारा बैल और नासिर का बकरा। नहीं नहीं यार पहले दिन करना, मैं पहले दिन करूँगा भाई। अबे सही तो कह रहा है, अब पहले दिन क्या यार, जानवर बहुत सारे हैं नासिर। यार मेरा कह ना बकरा पहले दिन कुर्बान करना है, क्योंकि यार मैं मम्मी का गोश्त देख आऊँगा, मम्मी का मुँह देखना मैंने, ये लीजिए मम्मी गोश्त, कपूरा भी देख आऊँगा अपने मम्मी को। अबे तू फिर दिखावे में आ गया नासिर, बहुत दिखावा करता है तू, हमारी गाय का गोश्त ले जाइए, बोलियो कि मैंने गाय भी की है। अरे वैसे ठीक रहेगा, वैसे मैंने ड्राइवर भाई का जो बैल था ना तस्वीरें खींच कर सेंड कर दी, मैंने बोला देखो मामू मैंने बैल भी लिए। तू सही फंटा चल रहा है वेन की आँख यार, रिश्तेदारों के गाड़ी चलाने में मज़े ही अलग आता है ना। अबे बातें चल रही हैं भाई, वो लोग भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं, अपने कजन्स जो मेरे को पूछते थे कहीं थे, बोले नासिर सुना है यार तू बड़े बड़े बैल ले कर आया, मैंने बोला हाँ भाई टाइम नहीं है मेरे पास, मैं निकल रहा हूँ। देख रहे हैं अशरफ भाई नासिर के भरे मोरे खानदान में। और क्या भाई पैसा है तो हर कोई पूछता है कि कैसा है। वाह नासिर ने क्या बात की है, वाह लाले क्या बात की है, पैसा है तो लोग पूछने कैसा है। और नहीं तो क्या, जेब में पैसा नहीं है तो भाई कोई तो झूठे में बात भी नहीं करता। कल मेरी वो कजनों की मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जो मेरे को पूछती तक नहीं थी, यानी तो बोले और नासिर कैसे हो, मैंने बोला टाइम नहीं है मेरे पास मैं निकल लूँ। वो तेरी वाइफ बोल बोल भरम नासिर, कल को तू अमीर हो जाएगा तो हमें कटा देगा क्या? अल्लाह ना करे यार, अमीर हो जाऊंगा तो मैं आप लोगों को कटाऊंगा। ये बात की ना नासिर, क्योंकि नौकर भी तो रखने होगा ना मैंने, तो अभी तो रखूंगा ना बस कर दी ना छोटी होती।
नहीं यार नासिर दिल का अच्छा, मुझे पता है अमीर हो जाएगा हमारे को भूलेगा नहीं है। ऐसे कैसे भाइयों का कौन भूलता है भाई, अच्छे बुरे वक्त में आप लोगों ने तो मेरा साथ दिया। हाँ हाँ बस अब इमोशनल नहीं हो भोसड़ी के। हम लोग भाई छोरियाँ टेस्ट करवाने जाओगे? हाँ यार अशरफ भाई कसम से यार जानवरों का काम बड़ा थका देता है, लेकिन क्या करें सबाब की नीयत से करते हैं ना। हाँ वैसे काम तुम लोगों ने टाइट किया है भाई, वरना कीचड़ हो जाती है यहाँ पे। वो ड्राइवर भाई कब आ रहे हैं? ये ना हो भाई टोपी करा दें। कैसे टोपी कराएगा भाई, कुर्बानी है उसकी, रात में पहुँचेंगे वो। हाँ मुझे भी मैसेज आते बोलते रात में आ जाऊँगा, नमाज साथ पढ़ेंगे ना। हाँ हाँ नमाज तो साथ पढ़ेंगे। चलो लड़को फिर मैं आता हूँ, सही है ठीक है अब आ जाओ। ओए फिर अशरफ भाई आएंगे फिर ही चलेंगे यार छुरियाँ तेज करवाने, क्योंकि फिर जानवरों को कौन देखेगा। हाँ हाँ रुको मैं आता हूँ, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को, घंटा डेढ़ घंटा लगेगा। ठीक है और कुछ आते भाई कुछ ले आना भाई खाने वाने के लिए। अबे भाई कहाँ थे अभी तो खाया यार। नासिर तेरे पेट भर गया क्या? अंडे वाला बर्गर से क्या भाई, उससे तो कुछ भी नहीं होता। शाम में खाएंगे शाम में। चलो ठीक है यार अभी भाई चाय बना दो यार, टाइड वाले यार बड़ी तलब हो रही है। हाँ बनाता हूँ अभी रुक जा यार, मौसम इंजॉय करने दे, कितनी अच्छी हवा चल रही है यार, बहुत सेक्सी हवा चल रही है कसम से यार। हेलो लड़कों मैं होकर आता हूँ ठीक है। ओके अच्छा हम नाशे तूने मेरी बाइक चमका दी। ए वन चमका दिए बाइक की टंकी पे ना अपनी शक्ल देख सकते हो, इतनी चमका दी मैंने। थैंक यू लव यू डैनी फक यू टू। चल भाई लड़के बड़े मेहनती हैं भाई, कल तुम लोगों को भाई क्या बताऊँ मैं, रात को ऐसी तेज बारिश हो गई हम तो यार फट गए हमारी। हमने सोचा फिर के यार जानवर जो है ना इधर बांधे थे, हमने बोला नहीं वो ट्रेवर भाई गर्म होंगे, फिर अपन ने ना गैराज में बांधे थे सारे भाई अंदर, हमने किया यकीन करो डर गए थे भाई पूरी रात भी कीटड़ कीटड़ हो जाएगा। फिर वहाँ पर जब सुबह धूप निकली तो आपने सारा वाइपर से पानी वानी निकाला भाई, जगह साफ की, फिर अपने जानवर लेकर आए इधर। भाइयों यही होता है भाई, मौसम का कुछ भी पता नहीं है। सुनने में आया भाई तुम लोगों के भी बारिश हुई है, कमेंट में बताओ जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सही है ना या नहीं है। ओए होए लड़के ने चमका रोटी, ये काम का बंदा है यार नासिर कसम से यार। ये देखो यार यकीन करो गाड़ी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होती जितनी 125 मेरी हाफ किक में, बल्कि किक भी नहीं, किक पे पाँव रख दो खुदी स्टार्ट हो जाती है भाई। मेरी 125 जो है ना यकीन करो बड़ी सेक्सी है मेरी 125 यार, ऐसी मक्खन चलती है यकीन करो। इसको इतना गधा गाड़ी की तरह यूज़ करते हैं, चारा इस पर लेके आते हैं, हर काम इस पर करते हैं, घेड़ियाँ इस पर मारते हैं, लेकिन मजा ले भाई 125 को कुछ हो। और इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेज इतनी ऊपर चल रही है भाई, 125 जिंदाबाद भाई, अल्लाह का शुक्र है मालिक ने हाथ पकड़ा हुआ है कि 125 से 70 पे आने की औकात नहीं रही है, वरना जो 70 पे थे वो 50 पे आ गए, जो 50 पे थे वो साइकिल पे आ रहे हैं भाई। इतना महंगाई का दौर चल रहा है, अगर तुम लोग इस दौर में भी 125 अफोर्ड कर सकते हो ना उस्ताद, आप लोग अमीरों में आते हो भाई, गरीब भी नहीं हो मिडिल क्लास भी नहीं हो। मुश्ताक भाई ऐसे बड़े बड़े जानवर लेकर आए सुनने में आया, मैंने बोला मुश्ताक भाई कहाँ से लेकर आए, बोला भाई हम तो पूछते नहीं है भाई, हम तो बड़े जानवर लाते, मैंने बोला रहने दो यार, पिछले साल तुम डुम्बा लेकर आए हुए थे, बोले वो तो होता था लेकिन मेरे रिश्तेदारों के मेरा हिस्सा होता था। मैंने बोला अरे तेरी मुश्ताक भाई हल्के और तेरी मुख्य, ये बाइक वालों के अंदर ना कीड़ा ही होता है, बगैर देखे ना रोड की गांड में घुस जाते हैं, इसलिए भाइयों रोड क्रॉस करते हुए ना चारों तरफ देखा करो भाई। मैं खुद ही यार मैंने साइड मिरर हटाए में सपाटर बनने के चक्कर में, क्योंकि लुक खराब हो जाती है ना। अब देखो मेरे को ना मुंडी पीछे करके देखना पड़ता है कि भाई गाड़ी उधर से आ रही है या नहीं, वरना अपन जो है ना बाइक वाले हैं हमारी आदत ही होती है गाड़ में घुस के ऐसे कट के कट मारने की, ये भाई हमारे अंदर कीड़ा ही है कभी भी नहीं मरेगा। लेकिन भाई मैं फिर भी तुम लोगों को बोलता हूँ कि एहतियात करो भाई, ऐसे नहीं घुसो, किसी दिन कोई घुस गया ना आपके अंदर फिर आप पड़ोगे बाटी शहीद अस्पताल में। तो इसलिए भाइयों हेलमेट पहनो और ना सेफ्टी से चलाओ, मेरा तो तुम लोगों को पता है यार, मैं वैसे भी सपाटा रोड चैंपियन आदमी हूँ, मैं जो है ना तीसरे चोटे में गुम नहीं करता, मैं पहले में ही कट ऐसे मार के जो है ना ऐसे निकल के फिर ऐसे करके जो है ना निकलता हूँ और फिर ट्रक के सामने से ये ऐसे करके निकलता हूँ। लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं करना भाई, मैं जो है ना 12 साल की उम्र से बाइक चला रहा हूँ भाई, तो भाई मेरे को तो अच्छा हो गया 20-25 साल हो गए ऐसे। ये देखो ये काट के मुझे पता है अंदर ही अंदर जो है ना ये गाड़ी वाला मेरे को गंदी गंदी माह बहन की गालियाँ दे रहा होगा, लेकिन नहीं
ये देखो भागता हुआ आ रहा है, मेरे को लांडे देगा इससे पहले जो है ना मैं कट मार के निकल जाऊँ। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, थोड़ा सा तेरा सितारे संग बांध लाऊंगा। ओहो मुश्ताक भाई ने भी फुल सेटअप लगाया भाई। उद्दाद वहां की तेरी उस्ताद बोल भाई, ये तो हाथी लेकर आ गए। सलाम अलैकुम मुश्ताक जानी, मावा खाओगे या दिलानी? अरे अशरफ जानी, ज़रदा खाएगा या बिरयानी? मुश्ताक भाई तुम जो भी खिलाओगे खाएंगे, पहले तो ये भाई माशाल्लाह से भैंसे ले लिए तुमने। हाँ यार देख रहा कैसे माशाल्लाह से छेठ है मन गोश निकलेगा। मुश्ताक भाई हल्के में आ जाओ, छेठ है मन क्या हो गया? बेटा तू देख लो तद भी नहीं है, गोश्त है गोश्त। मुझे भी देख रहा है वो गोश्त है मुश्ताक भाई। अब भैंस का क्या क्रेज है भाई, गाय बेले नहीं मिलेगा? अबे हम लोग जो है डुम्बे करते हैं और भैंस करते हैं। अच्छा बकरे भी नहीं करते? बकरे गाय नहीं करते हम। क्यों ऐसा क्यों है मुश्ताक भाई? वो ऐसा है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था, गाय का दूध पियो और भैंस का गोश्त खाओ। हैं भैंस का गोश्त खाओ मतलब? गांड बनती है फौलादी उड़ाता है बंदा। मुश्ताक भाई ये चश्मा वगैरह लग गया क्या तुम्हारे? वो क्या करें उम्र का तकाजा हो गया तो नज़र ऐसे थोड़ी कमज़ोर हो गई। दूसरों को गंदी नज़रों से देखोगे तो यही होगा ना मुश्ताक भाई? वैसे यार जानवर माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं दोनों आपके। हाँ एक दो मेरा और दो दूसरा बड़े भाई का है, मिला के ऐसा किया हुआ। वैसे मुश्ताक भाई बहुत ऊँचे ऊँचे हैं माशाल्लाह से यार ज़बरदस्त। तुमने क्या ये मेरे को दिखाने के लिए बुलाया था भाई? वह तरह से काम भी है, बैठ ना बैठ। चलो आओ बैठो। हाँ मुश्ताक भाई हुक्म करो, क्या सीन है भाई? यार कसाई नहीं मिल रहा मेरे को, वो हेल्प करा देगा क्या जानवर में? मुश्ताक भाई ये क्या हर किसी ने मेरे को कसाई समझा भाई क्या? हर किसी ने क्या मतलब, तेरे को किसी और ने भी बुक किया हुआ? मुश्ताक भाई मैं कसाई नहीं हूँ, बुक नहीं किया हुआ। लोग मेरे से बोल रहे हैं भाई कसाई नहीं मिल रहा, तो अच्छा भाई आप रेलवे लो भेंट उठ क्या, मैं कसाई नजर आता हूँ वो। अबे तो तू करता है ना अपने जानवर यार। अपने जानवर करना अलग बात है, और वो दिन गए जब हम कसाई हुआ करते थे, अब नहीं है भाई। अब मालिक ने हाथ पकड़ा हुआ है, माशाल्लाह से एक इज्जत है माशरे में, भेंट उठ मौसम ही कसाई थोड़ी है भाई, प्रोफेशनल है, शौक से अपना जानवर करते हैं। मसला ये यार हम लोग पहले कज़न वगैरह साथ में करते थे, अब कज़न का जो है इंतकाल हो गया। अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। वैसे हरकतें तो जन्नत वाली थी नहीं उनकी, लेकिन चलो फिर भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब कर ही दे उनको। तो यार मसला ये हो गया, अब कोई है नहीं। अब मैं देख यार उम्र भी उठी जा रही है, मैं कैसे यार अकेले करूँगा? मसला वही चलो अकेले की बात नहीं है, लेकिन यार हेल्प करा दूँगा मैं भाई। पहले दिन हमारे जानवर होंगे मुश्ताक भाई, बहुत मुश्किल है। वो कोई मसला नहीं है, दूसरे दिन कर लेंगे। यार मुश्ताक भाई देखो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, आप कोई पकड़ लो ना यार कसाई। यार जिस कसाई को बुलाया उसने हार उठा लिया, बोल रहे हम प्रोफेशनल नहीं है, मौसम ही है ना बरसाती माँ के लोड़े, बोल रहे हैं बहुत बड़े जानवर हैं, और मैं नहीं चाहता भाई कोई मसला वगैरह हो, बोल रहे मोटी खाल उतरती नहीं है। अरे मुश्ताक भाई हमने भी वैसे कभी भैंसे की ही नहीं है, हमारे को भी आइडिया नहीं है। यार हेल्प करा दे यार, अशरफ तेरे साथ मैंने कितना किया यार। यार मुश्ताक भाई देखो कंफर्म नहीं है, पहले दिन अपने जानवर हो गए, दूसरे दिन आपका भाई फादेगा आके हेल्प करा देगा, लेकिन पूरे दिन मैं गोश्त वोश्त नहीं बनाऊंगा बैठ के। वो गोश्त नहीं गिरा के खाल उतरवा के पेठा निकाल के सब करके ना हम घर में बना लेंगे, मैं मेरा बड़ा भाई हम कर लेंगे। चलो मुश्ताक भाई करा दूंगा हेल्प, टेंशन नहीं लो। बस यार बहुत बहुत शुक्रिया यार, पैसे ले लियो यार। अरे पैसों की बात नहीं है मुश्ताक भाई, हेल्प करा दूंगा, दोस्ती यारी वाली बात है ना। हाँ दोस्ती यारी वाली बात है। अच्छा मुश्ताक भाई ये बताओ कि कितने का पड़ेगी तुम्हारे को? यार ये हमारे को पड़ी है 6.5 लाख की जोड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह मंडी लूट ली मुश्ताक भाई, मंडी लूट ली। हर बंदा यही कह रहा मंडी लूट ली। और ये बताओ भाई एफएक्स कहाँ गई तुम्हारी?
यार ऐसे मैकेनिक के पास गई हुई है यार, उसका भी काम आ गया था। मुश्ताक भाई तुमने तो गाड़ी ऐसी रखी हुई है ना कि बस क्या बोलूँ मैं तुम्हारे को। यार अभी तो देख ईद के बाद ना वैसे भी मेरी दुकान की इनॉग्रेशन है। हैं तुम क्या बुटीक खोल लो, फैशन डिजाइनर हो तुम्हारी इनॉग्रेशन है? अबे नहीं यार, अच्छी दुकान है मेरी, अल्लाह का करम है, बहुत बिजनेस हुआ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ना अब कारीगरों को काम दिया है, अब मैं प्रॉपर तरीके से अच्छी दुकान बना रहा हूँ, आगे सेटअप वेटअप भी बड़ा करूँगा, तेरे को बुलाऊँगा मैं। हाँ हाँ मुश्ताक भाई, अच्छा ये बताओ मावे की जुगाड़ करवाओ यार, मावा ख़त्म हो रहा है। ईद वाले दिन तेरे को मावा दे दूँगा, खेप आएगी मेरे पास ईद पर। ये बात की ना, लव यू मुश्ताक भाई, जबरदस्त, थैंक यू। और हाँ मेरे को जो है ना गाड़ी भी बनवानी है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह नोट है, खर्चा करेगा तेरा भाई, जैसा तू बोलेगा। मुश्ताक भाई एफएक्स बैठ के ना कुछ और ले लो, उसको क्या बनवाओगे? अरे नहीं बड़ी अच्छी पायदार गाड़ी है यार। यार मुश्ताक भाई दिल आ गया तुम्हारे भैंसों पे, कसम से यार चौड़ा ही देखो यार, जानवर बड़ा प्यारा है यार। अबे ऐसा पूरे लोग संतोष में नहीं है। अबे उतार उसको बाल्टी पर चढ़ा, बाल्टी टूट जाएगी। ठाक भाई तुमने सेटअप भी है, ये देखो। अरे भाई अरे बड़ा, अरे अरे उधर मुँह कर रहा है यार, शर्मीला है ना, शर्मीला। अबे शर्म लट्टी वट्टी तो नहीं मारेगा ना मुश्ताक भाई? हिट हिट ऐसा नहीं कर यार। मुश्ताक भाई जानवर ऐसे कभी भिटक जाता है ना नया बंदा देख के, तो इसलिए नहीं। माशाल्लाह से यार मालिक, मालिक ने बड़ा करम किया तुम्हारे को यार, डुम्बो से डारे कितने बड़े बड़े जानवर, वाह भाई। शुक्रिया शुक्रिया यार, यकीन करो घर वाले गए में वरना चाय बनवा के पिलाता तुम्हारे को, होटल पर चल के पिए क्या? नहीं नहीं मुश्ताक भाई शुक्रिया, कोई ऐसी बात नहीं कि होटल पर चल के पिए। इंशाल्लाह देखो मैं तुम्हारे को अपडेट देता हूँ, क्योंकि यार हमारे जानवर बहुत है ना, ट्रेवर भाई के भी दो बड़े व्हेल हैं, मेरा भी है, और फिर उसके बाद ऊँट हमने तीसरे दिन करना है। तो यार अगर पहले दिन हमने जानवर फारिग कर दिया ना तो तुम्हारे पास में आ जाऊँगा। यार ऐसा नहीं कर, मैं तो लटक जाऊँगा फिर। यार मुश्ताक भाई ऐसी बात नहीं है, चलो ठीक है मैं तुम्हारा फिर गिरा गुरु के खाल उतरवा के निकल लूँगा, अगर दूसरे दिन हमारे जानवर हुए फिक्र नहीं करो, कर लेंगे। चलो जबान दिए ना अशरफ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया यार लड़के, तेरा ये एहसान नहीं बोलूँगा मैं। अरे नहीं मुश्ताक भाई, दोस्त किस लिए हैं यार। चलो यार मैं निकलता हूँ, सही है? ठीक है यार, सही है यार, तो आ जाइयो। आ जाऊँगा मुश्ताक भाई, फिक्र नहीं करो, आ जाऊँगा। ओके मुश्ताक भाई, फिर निकलते हैं, ठीक है? ओके भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक मुश्ताक भाई, ईद मुबारक। बहुत देर नहीं आऊँगा तुम्हारे को, पहले दिन कुर्बानी कर ली अगर हमने। ठीक है यार, ठीक है। चलो भाई, देखो यार हर किसी ने मेरे को कसाई समझा हुआ यार, कसम से। चलो ये मुश्ताक भाई इतने प्यार से कह रहे हो यार, काम भी आते हैं, अपने भाई हैं यार, चलो उनकी हेल्प करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। गिराना है बस उसके, क्या करना है और कुछ नहीं, बड़ा जानवर है ना, मौसम ही कसाई है, उनकी गांड फटती है भाई, के गलत ना करिए मसला हो जाएगा। अबे ये बड़ा जानवर है, बड़ा जानवर गिराना मुश्किल नहीं है, नाक में दो उंगलियां घुसेड़ेगा आपका भाई, सींग पकड़ेगा, ये पलटेगा और डुम पीछे से नासिर खींच लेगा, ये पलटिया का जानवर, वो उसकी फिक्र नहीं है। खाल वाल उतार के पेठा वेठा निकाल के ना साइड पे करके अपन निकल जाएंगे, मुश्ताक भाई की हेल्प हो जाए ना यार। अच्छा है ना भाई, मुफ्त में मावे लेगा आपका भाई, मैं थोड़ी छोड़ूंगा भाई मुश्ताक भाई को, वैसे कभी हम लोगों ने इतने उधार लिए, इतने काम आए मुश्ताक भाई, जबरदस्त बंदे यार। मेरे को दूसरे लोग कसाई समझ रहे, भाई कसाई नहीं हो, दोस्ती यारी में करा देते हैं, वो बात नहीं है, मैं कौन सा मुश्ताक भाई से पैसे लूँगा, लेकिन भाई दोस्ती यारी में ठीक हो रहा है। तुम लोग कमेंट में बता तुम्हारे कैसे हरामी दोस्त हैं, तो बोलते हैं जानी यार जानवर गिराना है तो हेल्प करा देगा, अगर हैं तो उनको कमेंट में मेंशन करो बहन की, तू उनको बोले भोसड़ी वालों तुम लोग गोश्त तो हमारे को छिटरे निकाल के देते हो, साफ सुथरा गोश्त नहीं देते ना कलेजी देते हो, और जानवर गिरवाने के लिए हाँ जानी आ जा, बहुत होते हैं ऐसे लड़के, लेकिन क्या कर रहे हैं यार, जैसे भी हैं हरामी अपने भाई हैं ना, तो भाई भाइयों के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे। हाँ भैया तुम सब लोगों को भी ईद मुबारक, मिलते हैं कुर्बानी वाले दिन, सही है? चलो जाओ चारा लेकर आओ, साबत जानवरों की खिदमत करो।